एक आधार कार्ड पे कितने सिम इशू होते हैं? नाउ यू विल से ऑफ कोर्स एक मेरा ही तो होगा और किसका होगा। वेल माय फ्रेंड्स, हियर यू आर रॉन्ग, बिकॉज एक आधार कार्ड पे आजकल एक से ज्यादा मल्टीपल सिम्स इशू हो रहे हैं एंड ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो आजकल काफी चल रहा है। इसको चेक करने के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर अपना 10 डिजिट फोन नंबर एंटर करें एंड रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी एंटर करते ही पेज पर वो नंबर शो होंगे जो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड है। अब जो एक्स्ट्रा नंबर है यानी कि आपका नंबर नहीं है उसको रिपोर्ट कर दो। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स में टिक करो दिस इज नॉट माय पर क्लिक करो, अपना नेम एंटर करो और रिपोर्ट पर क्लिक कर दो। अब स्क्रीन पर और आपके सेम मोबाइल नंबर पर एक ट्रैकिंग आईडी आएगा एंड योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली सबमिटेड। सिंपल। नाउ यू नो कि अपने आधार कार्ड के ऊपर गैर कानूनी रजिस्टर हुआ हुआ सिम कैसे रिपोर्ट करना है, उसको कैसे हटाना है। बट लेकिन आपके मन में एक ये सवाल भी होगा कि आखिर हमारा आधार कार्ड मिसयूज होता कैसे है। वेल, अगर आप कभी भी किसी शॉप पे अपने आधार का प्रिंट लेने जाते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने जाते हो या फिर आप गलती से अपना आधार कार्ड किसी को मेल कर दे होते हो, तो ऐसे टाइम पर जितने भी छोटे स्मॉल मर्चेंट्स हैं ये आपके आधार कार्ड की कॉपी चुपचाप अपने पास सेव कर लेते हैं एंड नेक्स्ट टाइम जब कोई विदाउट डॉक्यूमेंट सिम मांगने आता है तो उनको चुपचाप इशू भी कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा पास कर सकते हैं करें। अगर आपको अपने आधार और सिम से कोई रिलेटेड डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।